ग्वालियर में मुरार नदी के किनारे एक नवजात बालक की सिरकटी लाश से सनसनी फैल गई। नवजात के धड़ पर एक भी खरोच नहीं है, लेकिन धड़ से सिर बेहद सफाई से काटा गया है। जिस तरीके से सिर काटा गया है, पुलिस को आशंका है कि नवजात की नरबलि दी गई है। शव सोमवार शाम को मुरार नदी के किनारे भीमनगर के पीछे नाली में पड़ा मिला है। एक कुत्ता नदी से खोदकर उसे मुंह से दबाए जा रहा था। स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो कुत्ता छोड़कर भाग गया। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सीएसपी ऋषिकेश मीणा तत्काल मौके पर पहुंच गए। पुलिस अफसर भी इसे नरबलि मानकर जांच कर रहे हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि यह बच्चा किसका है और यहां बलि कौन दे सकता था। जिस इलाके में यह धड़ मिला है, वहां तंत्र मंत्र आम बात है। शहर के मुरार नदी रपटा के पास भीमनगर के पीछे नदी किनारे सोमवार शाम को एक युवक ने कुत्ते को किसी बच्चे का शव मुंह में दबाए ले जाते देखा। उसने कुत्ते को घेरा तो कुत्ता शव छोड़कर भाग गया, पर जब राहगीर वहां पहुंचा तो शव देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शव के नाम पर सिर्फ धड़ था, सिर तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। उसने आसपास देखा पर कुछ नजर नहीं आया तो मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सीएसपी ऋषिकेश मीणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल के आधार पर शव बालक का है और उसका जन्म 2 से 3 दिन पहले ही हुआ है। जिस तरह से धड़ से उसका सिर अलग किया गया है, वह किसी धारदार हथियार से किया गया है। शार्प कटिंग हुई है जो इशारा करती है कि यह नरबलि है। फिलहाल पुलिस खुलकर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन पुलिस अफसरों ने स्पॉट पर जांच के लिए डॉग टीम को भी बुला लिया है। बच्चे के शव को तलाश किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि बच्चे का सिर धड़ से अलग किया गया है, यह नरबलि का मामला लग रहा है। धड़ पूरी तरह सुरक्षित है, न सड़ा है न गला है। इससे आशंका है कि यह बलि रविवार सोमवार दरमियानी रात 3 से 4 बजे के बीच दी गई है। इसके बाद सिर को कहीं जाया गया है, क्योंकि स्पॉट पर कहीं भी सिर नहीं मिला है और धड़ को यहीं कहीं दफनाया होगा, जिसको कुत्ते ने खोदकर निकाल लिया। सीएसपी मीणा ने तत्काल सभी थानों में सूचित किया है कि कहीं कोई हाल ही में हुआ बच्चा लापता तो नहीं है। साथ ही आसपास के हॉस्पिटल में भी पड़ताल की जा रही है कि कोई बच्चा गायब तो नहीं हुआ है। ये एक आशंका यह भी है कि बच्चे की डिलीवरी घर पर ही हुई होगी और नरबलि का प्लान पहले से ही होगा। इस बच्चे को सिर्फ बलि के लिए ही जन्म दिया गया होगा। जिस जगह नवजात की सिरकटी लाश मिली है, वो इलाका तंत्र मंत्र के लिए चर्चित है। वहां ज्यादातर ऐसे ही लोग रहते हैं, तो इस तरह के पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। इसलिए पुलिस को नरबलि की पूरी आशंका है। सीएसपी ऋषिकेश मीणा का कहना है कि एक नवजात बालक का सिर कटा शव मिला है, पुलिस जांच कर रही है। जिस तरह से सिर कटा है, नरबलि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस अभी स्पष्ट कुछ नहीं कह सकती है।